हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीलम। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता। जो आपके घर में कोई मेहमान आ जाए अचानक, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप के करीब बेसन ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है हरे धनिया की पत्ती, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, और लास्ट में हम इसमें प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1 छोटे साइज का। और सारी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है। आप इसको स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर एक विस्कर से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, साथ में ही जो बाकी का पानी बचा हुआ है उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसका जो पेस्ट बना लेना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा फेंटना है, बहुत अच्छे से बहुत देर तक इसको हमें फेंटते रहना है, जिससे कि ये जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो इसको मैंने 1/2 से 1 मिनट तक कंटिन्यू फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच के करीब, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा हमें इसमें ऐड नहीं करना है बेकिंग सोडा को, और अगेन हम इसको फेंट लेंगे बहुत अच्छे से। तो हमारा जो पेस्ट है बेसन वाला वो बनके तैयार है। हम इसको ढक देंगे और ढक के हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी हम फेंट लेंगे अच्छे से, जब तक इसमें थोड़ा सा जो है क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक हमें इसे फेंटते रहना है। तो हमारा दही अच्छे से फेंट गया है। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हमें इसमें नमक ऐड करना है, और काला नमक 1/4 टीस्पून। के बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, और हम इस तरीके का इसका जो है बना लेना है रनिंग बैटर टाइप का। हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो एक पैन लेंगे हम, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमें जो हमने बेसन तैयार किया था अपना पेस्ट बेसन का, उसकी हम छोटे छोटे सी पकौड़ी हैं वो बना लेंगे। इस तरीके से हमें ये जो पकौड़े हैं उनको बना लेना है। हम इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। तो हम इन्हें पलट लेंगे सारी पकौड़ियों को। तो हमारी जो पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनमें कलर आ गया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये जो नाश्ता है, और बहुत ही कम समय में बनके तैयार भी हो जाता है। हम बाकी की जो हमारा पेस्ट है उससे भी हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो हमारे जो बाकी पकौड़ियाँ हैं वो भी बनके तैयार हो गई हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और हम जो हमने अपना दही तैयार किया था उसमें हम ये सारी पकौड़ी जो है वो डिप कर देंगे इस तरीके से, और इसको हमें 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो सारी पकौड़ी उन्होंने सारा जो दही है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। एक बार और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम एक तड़का पैन लेंगे, और उसमें हम 2 चम्मच
ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे गर्म होता है इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब ज़ीरा और दो साबुत लाल मिर्च और इसके बाद कुछ करी पत्ता और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर आधा चम्मच के करीब और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हम जो पकौड़ियाँ हैं इनके ऊपर थोड़े से कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें अपना तड़का जो है वो डाल देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो नाश्ता है वो रेडी है बनके। इसको हम अब एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बेसन के दही बड़े भी बोल सकते हैं, जो भी आप इनको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये हमारे जो बेसन के दही बड़े हैं वो बनके तैयार हैं। तो अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये लीजिए हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट या इंस्टेंट नाश्ता जो भी आप कहना चाहें वो बनके तैयार हो गया है। बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए ये जो हमारी पकौड़ी हैं या दही बड़े हैं बेसन के, इनको हम एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल देते हैं। इनको मैं कट करके भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।